हे हेलो फैमिली, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक नए ट्रैकिंग ब्लॉग में। और आज हम जाने वाले हैं सांची। लॉक और वाटर बॉटल दो इम्पोर्टेंट चीज ट्रैकिंग के टाइम। सांची विदिशा से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैंने अपनी कोई मील नहीं रखी है साथ में। अगर मुझे भूख लगेगी तो शायद मैं वहाँ पे कुछ खा लूँ। हे बड़ी, हाँ सुबह सुबह गाय मिल गई। मौसम कितना प्यारा हो रहा है। एक्चुअली हम लोग आज ट्रैकिंग पे लेट गए क्योंकि जो सांची है वो सुबह 8 बजे के बाद खुलता है, तो उससे पहले अगर जाते तो कोई मतलब नहीं रहता। तो अभी ऑलमोस्ट 8:30 हो रहे हैं और आई थिंक हम 9 बजे तक सांची पहुंच जाएंगे। मेरा जो पर्सनल व्यू है विदिशा को लेके, मतलब मेरे जो थिंकिंग है विदिशा को लेके, वो ऐसी है कि मेरा मानना है कि विदिशा जो सिटी है वो चारों तरफ बहुत सारी अमेजिंग चीज़ों से घिरा हुआ हो, चाहे वो सांची हो, सतदारा हो, भीम बेटिका हो, और उदयगिरी हो, या मुरल खुर्द हो, या रायसेन हो, रायसेन के किले हो, या बटरफ्लाई पार्क हो रायसेन का। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं ना विदिशा के आसपास देखने के लिए। तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं विदिशा में मेरा बॉर्न हुआ। और शायद इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि अगर हम हिस्ट्री देखते हैं विदिशा की, तो ऐसे बहुत सारे राजा थे जिनका सेंटर विदिशा रहा है हमेशा से, जैसे कि अशोक। हमारा सांची दिखने लगा है पर अभी फॉग होने के कारण आप सही से नहीं देख पाएंगे। वहाँ है सांची। पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से डिज़ाइन की गई हैं और ये पूरा एरिया बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। हमें ऊपर चढ़ना है क्योंकि सांची स्तूप ऊपर है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर से। नहीं चल रही साइकिल। थक गए बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ऊपर जाना है। ये सिद्धांत भैया साइकिल चला रहे। ओ ये क्या हुआ, ये बहुत दूर जा चुकी, मैं पीछे रह गया। क्या, हाँ पैदल चलने में भलाई तो है। सिद्धांत भैया मेरी साइकिल पकड़ ली, मैं बहुत जोर से थक गया। ये घाटी बहुत ऊंची है, ये घाटी आधी चढ़ पाए, अभी और ऊपर जाना थोड़ा। ऑलमोस्ट पूरी पहाड़ी चढ़ चुके हैं सांची स्तूप की, पर अभी थोड़ी सी बची है। पर गाइस ये जो पीछे का व्यू है बहुत ही ज्यादा प्यारा आ रहा है। और आज अरुण आया है साथ में। अंशुल, आज अंशुल रह गया। आज अंशुल के चांस चला गया और अरुण आ गया। अरुण साइकिल लेके पहुंच गया है मेरी। हेयर इट इज, दिस इज द ग्रेट सांची स्तूप। मैं सर, आप कभी भी साइकिल से कहीं भी जाएं तो हमेशा एक ऐसा वायर जरूर रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी प्लेस मिल ही जाती है ऐसी जहाँ पे आप उसे लॉक करके लगा सकें। तो चलिए आज की एक्सप्लोरिंग शुरू करते हैं।
फाइनली वी आर इन। हमने अभी ऑनलाइन पे किया है, तो अगर आप कभी भी आए सांची तो ऑनलाइन ही पे करिएगा, क्योंकि ऑनलाइन में ये आपको थोड़ा चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टिकट्स। और हम कैश भी नहीं रखे थे, पर थैंक गॉड टू ऑनलाइन यूपीआई हो गया। फ्रॉम दिस टू दिस कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो गाइज, ये है मैं सांची स्तूप, और ये ऑलमोस्ट 300 BC के आसपास बना था सम्राट अशोक के द्वारा। कितना ज़्यादा बड़ा और प्यारा लग रहा है। छोटू आप लोग गिर मत जाना ध्यान से। वैसे सांची हम लोग कई बार आए, पर हमने कभी भी पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है सांची। कुछ ना कुछ चीजें रह जाती हैं, बट आज हम पूरा मतलब पूरा सांची देखेंगे। पता नहीं, मतलब स्तूप के नीचे तालाब भी है आज देखा मैंने तो। ये तो कुछ और ही चीज लग रही है मुझे, मतलब। हाँ नहीं, ये ग्राउंड है, ये पानी भरा। इधर कभी नहीं आया, बट मैं आज तक नहीं आया। दिस इज सो ह्यूज मैन, मतलब लुक एट दिस, इतना ज़्यादा बड़ा है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये जगह देखने में। पता नहीं यहाँ के ट्रीज कैसे हैं, सारे सूखे हुए ही हैं। मास्क जरूरी है, मास्क पहने। और ये हाइड्रेशन के लिए इन्हें अभी उतारा, फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है आप यार। तो आई फाउंड समथिंग दैट अमेजिंग व्यू। वाओ, सो ब्यूटीफुल। इधर तो ओपन पहली बार आया है। हाँ ना, सोने पर और ज्यादा प्यारा होगा। चलिए देखते हैं। यार कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है। ये वाली साइड तो कभी आई नहीं हूं मैं सांची के। Oh,
है शायद, हाँ टेम्पल ही है। हमें बहुत दूर उधर जाना है, वो बिल्डिंग के और पीछे बहुत दूर। वो जो व्हाइट बिल्डिंग्स दिख रही ना, वो फॉरे में दस किलोमीटर है बस। दिस इज द व्यू, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है सांची ऊपर से, और मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल आइए इधर। मैं वीडियो बना था इन सब की, एंड देन मैंने देखा कि एक खरगोश तो हमारे नीचे ही बैठा है। मेरा हाथ भी नहीं पहुंच रहा उस तक, बैठा रहने दो, अच्छा रहता है। कान उठाए, वो भी शायद विटामिन डी ले रहा। विटामिन डी ले नहीं रहा है एक्चुअली। जो विटामिन डी होता है ना, वो सनलाइट देती नहीं है। सनलाइट से क्या होता है कि जो बॉडी रहती है ना अपनी, वो एक्टिवेट करती है विटामिन डी को प्रोडक्शन। ये इसका दोस्त भी आ गया है और दो उधर भी बैठे, ये शायद भाग जाएंगे मेरे पास जाने से। भाग गए। सो फाइनली हमने स्तूप पूरा देख लिया है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो अरुण कैसा लगा? बहुत मज़ा आया, बहुत ही चीज़ें ऐसी देखी कि जो पहले आए देखी नहीं। हाँ ये तो है कि बहुत सारी नई चीज़ें देखी आज। तो अब हम शायद इसके बाद म्यूज़ियम जाएंगे, तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। अब आई डोंट थिंक कि मुझे पैडल मारने की ज़रूरत पड़ेगी नीचे तक। तो गाइस हम जस्ट अभी म्यूजियम से बाहर आए हैं, और पता नहीं क्यों, आई थिंक सिक्योरिटी पर्पस, उन्होंने अंदर मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, तो कोई बात नहीं। बट मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं, वो जो आपने अभी देखे, हमारा सांची का एक्सप्लोरिंग ट्रिप। अब हम जाएंगे घर साइकिल से। दोस्तों अब ऑलमोस्ट 12 बज गए और हमें बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो हमने कुछ हेल्दी बनानास ले लिए। अब 12 बनानास हैं तो अब हम 6-6 खा के जाएंगे यहाँ से। नहीं मैं एक घर लूँ, एनर्जी आ गई है घर जाने के लिए। तो मिलते हैं अब घर पे। सो फाइनली हम घर आ गए और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अब हम करेंगे ब्रेकफास्ट, तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
सो सांची से आने के बाद मैंने सबसे पहले नहाया, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, बट मम्मी बोल रही थी कि पहले नहा ले उसके बाद खाना। ऐसा होता है ना, टिपिकल इंडियन मदर, जैसे जब घर से बाहर से कहीं घर आते हैं वापस तो हाथ पैर धो लो या नहा लो उसके बाद ही खाना खाने देती हैं मम्मियाँ, तो मे बी यू कैन रिलेट। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ पनीर सैंडविच, मेरा मन हो रहा है पनीर सैंडविच बनाने का। जस्ट मैंने अभी पनीर और टोमेटोज काटे हैं और उसके बाद ब्राउन ब्रेड और केचप थोड़ा सा सीजनिंग के लिए, एंड दिस इज पैन। सो चलिए फिर बनाते हैं। इसके साथ हम मास गेनर शेक जो मैंने पहले ही बना के रखा था, तो अब मैं ये पनीर सैंडविचेस और मास गेनर एंजॉय करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आप मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।